गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारी प्रीवियस क्लास से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक, क्योंकि पिछली क्लास में हमने बात की थी जाइंट क्रोमोसोम या महागुणसूत्र। उनमें से लैम्प ब्रूस गुणसूत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे, उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। आज हम बात करेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम बाल बियानी क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि बाल बियानी ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं इसको। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिन होती है और फिर सेल डिवीज़न होती है, तो फिर वो डिवाइड करके अपनी संख्या को कांस्टेंट बना के रखती है सेल डिवीज़न के टाइम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीज़न के टाइम ये क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 और बहुत सारे हज़ारों की संख्या में ये क्रोमेटिन मल्टीप्लाई होते रहते हैं और सेल डिवाइड नहीं करती है। और कभी कभी सेल डिवाइड कर जाती है पर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। तो जो क्रोमोसोम की संख्या है जिसमें क्रोमेटिन का नंबर है वो हजारों हो जाते हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम। और बाल बियानी ने डिस्कवर किया इसलिए बाल बियानी क्रोमोसोम। देखिए ये क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका पिक्चर लिया गया है। यहाँ देखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ईजी बालबियानी, यानी कि किसने डिस्कवर किया, बालबियानी ने। कब, 1881 में। फाउंड इन लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। आप सब जानते हैं ड्रोसोफिला, आपको पता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो जेनेटिक्स के और क्रोमोसोम रिलेटेड साइटोलॉजी के, सब ड्रोसोफिला पे किए जाते हैं। फ्रूट फ्लाई है, कॉमन है, आप लोगों ने सबने उसे देखी भी होगी, ठीक है। और ये उसके सेलाइवरी ग्लैंड में से निकाले गए थे, सेलाइवरी ग्लैंड, इसीलिए इन्हें सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। देखिए आप इनके स्ट्रक्चर को देखिएगा, अगर आप देखें तो ये कहीं से डार्क, कहीं लाइट डार्क, बैंड इंटर बैंड इसमें आपको दिखाई दे रही है। अभी हम डिटेल जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये क्लियर होगा। तो ये है सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम जो ड्रोसोफिला के सेलाइवरी ग्लैंड से निकाले गए हैं। देखिए ये ड्रोसोफिला है, इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ड्रोसोफिला के अंदर ही की गई है। लेकिन जब इसके लार्वा स्टेज है, ये लार्वा है इसका, इस लार्वा की सेलाइवरी ग्लैंड में आप देखें, ये देखिएगा, ये लार्वा की सेलाइवरी ग्लैंड है। इन सेलाइवरी ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं इनके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले क्रोमोसोम, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम या सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या बाल बियानी क्रोमोसोम इनके अंदर है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सेलाइवरी ग्लैंड इनका मेन ऑर्गन है जहाँ ये मिलते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगह और भी मिलते हैं। देखिए कैसे बनते हैं ये पॉलीटीन क्रोमोसोम, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम आर डेवलप्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। मैंने बताया जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है जिसमें दो क्रोमेटिन है, उन क्रोमेटिन में लगातार डिवीज़न होता रहेगा। सम स्पेशलाइज्ड सेल अंडरगो रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि सेल डिवीज़न के टाइम में डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। दो क्रोमेटिन हैं, दो क्रोमेटिन में 4 स्ट्रैंड डीएनए के बनते हैं, फिर डिवीज़न होके 2-2 रह जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न, बस क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है, यानी कि क्रोमोसोम की क्रोमेटिन डिवीज़न करती रहती है और सेल डिवीज़न नहीं होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोमाइटोसिस। तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि पॉलीटीन क्रोमोसोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप कह सकते हैं एंडोमाइटोसिस के द्वारा पॉलीटीन क्रोमोसोम बनते हैं। अब वो पूछे आपसे कि एंडोमाइटोसिस क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि डीएनए लगातार डिवीज़न करता रहता है क्रोमोसोम्स में, जबकि सेल का डिवीज़न नहीं होता है। इज़ इट क्लियर?
चलिए अब देखिए आगे। क्रोमोसोम्स आर 100 to 200 टाइम लार्जर देन नॉर्मल क्रोमोसोम, जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम हैं उसके कंपैरिजन में ये 100 से 200 गुना बड़े हो जाते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, जिससे क्या होता है सेल का वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होता चला जाता है और पॉलीटीन क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो देखिएगा एक सेल के अंदर सलाइवरी ग्लैंड की सेल में न्यूक्लियस में आप देखिए क्रोमोसोम है जो कितने बड़े बड़े हो गए हैं एंडोमाइटोसिस से। इज इट क्लियर? देखिए अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, अगर हम एक क्रोमोसोम को आपको खोल के दिखाएं तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं पर ये डार्क स्पेस आपको दिखाई दे रहा है और ये है जो पूरा लाइट स्पेस है, फिर डार्क है, फिर लाइट है और फिर डार्क, फिर लाइट। इस तरह से आप डार्क को हम कह रहे हैं बी बैंड और बीच में जो है उसको कह रहे हैं हम इंटर बैंड, यानी कि लाइट और डार्क बैंड है जो एकांतर अल्टरनेट वे में आपको दिखाई दे रही है। दीज शो डार्क बैंड्स एंड लाइट इंटर बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि क्रोमोसोम्स को अगर देखना है तो आपको किससे स्टेन करना पड़ेगा, एसिटोकार्मीन, हिमेटोजाइलोन और फल्जिन। जब हमने इसे फल्जिन से स्टेन किया है, हम यहाँ पर फल्जिन यूज़ कर रहे हैं, तो जो हिस्सा बहुत डार्क स्टेन्ड हो जाएगा उसे हम बैंड कह देंगे और जो लाइट रह जाएगा उसे इंटर बैंड कह देंगे। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है डार्क स्टेन्ड को हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन, यानी कि डीएनए यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और यहाँ कम मात्रा में। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल है वो लाइट वाला ही होता है, क्योंकि यहाँ डीएनए है जो लूजली अरेंज होता है और ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इज इट क्लियर? अब आप देखिए आगे, डार्क बैंड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए। देखिए बहुत ज़्यादा डीएनए है लेकिन ये इनएक्टिव है, तो जो आरएनए बनेगा वो कम होगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? और यहाँ डीएनए है जो लूज है, तो यहाँ आरएनए बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये पूरा फंक्शनल है। आरएनए एंड बेसिक प्रोटीन कम होंगे बैंड में, इंटर बैंड हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज अमाउंट आएगा, ये स्मॉल नहीं होगा, यहाँ होगा लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको आप स्मॉल की जगह यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए आप देखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, नहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए एंड लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए, ये आरएनए की जगह आप यहाँ पर डीएनए पढ़ेंगे। ठीक है, ये है डीएनए, यानी कि स्मॉल अमाउंट डीएनए है और लार्ज अमाउंट आरएनए है, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब फॉर्मेशन ऑफ पफ, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पफ क्या होता है, बल्ब यानी रिंग्स क्या होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा जो बैंड रीजन आपको दिख रहा है, ये देखिएगा फूले हुए हिस्से हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, फूल जाते हैं। आप इस डायग्राम में देखें इस तरह से ये खुल जाता है। द बैंड ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम फर्स्ट स्वेल अप, बैंड की मैं बात कर रहा हूँ, बैंड स्वेल अप एंड देन एक्सटेंड आउट एट ए राइट एंगल टू मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है उस पर 90 डिग्री पर ये देखिए आप अरेंज हो गया है, नहीं हो गया है, 90 डिग्री पर ये अरेंज है, यानी कि जो क्रोमोसोम है उस पर 90 डिग्री एंगल पे ये अरेंज हो गए हैं और ये बैंड हैं जो खुल गए हैं और एक लूप की फॉर्म में ये अरेंज हो गए हैं। मेन एक्सिस ऑफ द क्रोमोसोम एनलार्ज और दिस बैंड इज कॉल्ड पफ्ड, यानी कि एनलार्ज बैंड जो मेन क्रोमोसोम है उससे राइट एंगल पर जो लूप बना है उसको हम कह रहे हैं पफ। पफ आर द एक्टिव साइट ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस। देखिए शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है, बताइए बाल बियानी पफ क्या है या पॉलीटीन पफ क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे,
आप कहेंगे कि ये जो बैंड है क्रोमोसोम का वो राइट एंगल पर एक्सटेंड हो जाते हैं और पफ यानी कि एक लूप बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत एक्टिव होते हैं यहाँ पर mRNA, rRNA एंड tRNA सिंथेसिस बहुत तेज़ी से होता है। पफ सीम टू हैव कंसंट्रेशन ऑफ फाइबर, ग्रेन्यूल्स, RNA मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स। यानी इनमें क्या क्या होता है, फाइबर, ग्रेन्यूल्स, RNA मॉलिक्यूल्स लगातार बनते रहने की वजह से और प्रोटीन सिंथेसिस भी साथ साथ होता रहता है। तो मेन आप कह सकते हैं पफ से प्रोटीन सिंथेसिस तेज़ी से होता है। कभी कभी सेल को बहुत ज़रूरत होती है तेज़ी से प्रोटीन सिंथेसिस करने की। ऐसे ही बाल्ब यानी रिंग्स, क्रोमोनिमेटा या क्रोमोसोम मटेरियल ऑफ पॉलिटीन क्रोमोसोम गिव आउट ए नंबर ऑफ लूप एट सर्टेन प्लेसेस। वही लूप जो बाल्ब यानी पफ है उसको हम रिंग भी बोल देते हैं। सच लूप्स आर कॉल्ड बाल्ब यानी रिंग्स, दीज आर रिच इन mRNA। खुल जाते हैं तो DNA पूरा लूज हो जाता है और तेज़ी से क्या बनाने लग जाता है, mRNA। तो ये है आपका पूरा का पूरा बाल्ब यानी क्रोमोसोम या पॉलिटीन क्रोमोसोम। यहाँ देखिए आप रिंग को देख लीजिए, सेम उसी की तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर बाल्ब यानी रिंग्स। क्रोमोनिमेटा अंडरगो कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग विच रिजल्ट इज थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ आप देखिएगा ये पूरी बाल्ब यानी रिंग्स बन गई है। क्या होगा, तेज़ी से यहाँ कॉइलिंग हो रहा है, सुपर कॉइलिंग भी आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट में जैसे हमने बताया था आपको उस तरह से। अब बैंड इंटरबैंड में क्या क्या डिफरेंस है, ये डार्क कलर के दिखाई देंगे स्टेन करने पर, ये लाइट कलर के दिखाई देंगे। DNA स्ट्रैंड कॉइल्ड अप इन बैंड यानी कि DNA है जो ज़्यादा कॉइल्ड होगा किस पे, बैंड में, और DNA होंगे जो स्ट्रेट होते हैं और बहुत कम कॉइल होते हैं। बैंड्स हैव लार्ज अमाउंट DNA होगा और स्मॉल अमाउंट RNA एंड बेसिक प्रोटीन होगा। इंटरबैंड में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA एंड एसिडिक प्रोटीन होंगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बैंड्स इन सम टिश्यू स्वेल अप टू फॉर्म पफ और मे गिव आउट लूप्स कॉल्ड बाल्ब यानी रिंग्स, जबकि यहाँ पर कोई पफ और बाल्ब यानी लूप्स नहीं बनेंगे। ठीक है, अब क्या काम करते हैं ये पॉलिटीन क्रोमोसोम, इनके फंक्शन क्या है उसे देखना है। पॉलिटीन अराइजेज इन टिश्यू organs and at developmental stage when there is a need for the rapid development of an organ। यानी कि ये पॉलिटीन क्रोमोसोम मैंने आपको बताया है कि तेज़ी से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, तो कोई ऑर्गन जो डेवलप हो रहा होता है यानी उसकी डेवलपमेंटल स्टेज जो हाँ होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करके ऑर्गन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा, ऑर्गन्स कंटेनिंग सेल्स विद पॉलिटीन क्रोमोसोम आर इन्वॉल्व इन इंटेंस सिक्रेटरी फंक्शन फॉर रैपिड ग्रोथ। और जब सेल का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस भी बनते रहते हैं, तो सेल का सिक्रेशन यानी उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए जो सिक्रेशन है वो भी तेज किया जाता है पॉलिटीन क्रोमोसोम्स के द्वारा। इज इट क्लियर, तो आप लिख सकते हैं इन्वॉल्व इन इंटेंस सिक्रेटरी फंक्शन फॉर रैपिड ग्रोथ के लिए तेजी से सीक्रेशन का भी काम करते हैं। देन पॉलिटिनाइजेशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व द एनर्जी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं कि तेज़ी से प्रोटीन बना करके mRNA यानी कि mRNA को स्टोर कर लेते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये पहुँचाते रहते हैं। एनर्जी ड्यूरिंग डेवलपमेंट वेयर द सेल ओनली इंक्रीज द DNA कंटेंट बढ़ाती रहती है एंड सेल डिवीजन फेज इसमें से घट जाता है। देखो जब सेल डिवाइड करता है तो DNA बट जाता है, लेकिन सेल डिवीजन तो नहीं होता, DNA बढ़ता चला जाता है, तो उस DNA की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, देयर बाई कंजर्विंग द एनर्जी एंड टाइम, जिससे कि एनर्जी और टाइम कंजर्व बच जाता, सेव हो जाता है, बच जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसके, पॉलिटीन क्रोमोसोम के। अब देखिएगा मैंने कुछ आपको हिंदी में जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है उसमें भी मटेरियल दिया है, तो उसे भी आप देखें। वही सब बातें हैं पॉलिटीन गुणसूत्र,
मल्टी स्ट्रैंड होते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड, मेलपिजी नलिकाओ, ड्रोसोफिला की गट की एपिथीलियम, एपिथीलियम लाइंस, कुछ डिप्टेरा की लार्वावस्था पाई जाती है, फैट बॉडीज़ में भी ये पाया जाता है। इन्हें हम महागुणसूत्र भी कहते हैं। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में पॉलिटिन गुणसूत्र सोमेटिक क्रोमोसोम से 1000 गुना तक बड़े होते हैं। ये ड्रोसोफिला में नॉर्मल गुणसूत्र से 1000 गुना बड़े, तो आप देख लीजिएगा। पॉलिटिन गुणसूत्र बहुत से सूत्रों या क्रोमोनिमा से बने होते हैं। इसका कारण बहुसूत्रीय संरचना यानी मल्टी स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोटिन तेज़ी से डिवीजन करके हजारों स्ट्रैंड बना देते हैं। पेंटर बर्मन ने इसकी संख्या क्रम से 1024 से 16000 तक बताई है। पॉलिटिन गुणसूत्र में 512 से लेकर के 1000 तक स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलिटिन गुणसूत्र के एकांतर क्रम में स्पष्ट गहरी और हल्की बैंड और इंटरबैंड दिखाई देती है। डीएनए युक्त पट्टियाँ, हाँ मैंने बताया ना आपको, फ्यूलजन से हम इसको स्टेन करते हैं, रंजित करते हैं, इसमें जो हिस्सा गहरा हो जाता है वो क्या होता है, बैंड का निर्माण प्रत्येक क्रोमोनिमेटा के क्रोमोमियर के आसपास से होता है। ये पट्टियाँ विशिष्ट स्थानों पर होती है, यानी बैंड और इंटर बैंड मिलती है, इसलिए ये गुणसूत्र के मैप में विशिष्ट स्थानों पर देखी जा सकती है। पट्टियों का क्रम समजात गुणसूत्र के दोनों सदस्यों, भाई होमोलोगस गुणसूत्र क्या होते हैं, जोड़ा होता है, तो दोनों के समान जगह पर मिलेगी। यानी एक गुणसूत्र पर बैंड है तो दूसरे पर बैंड होगी, एक पर इंटरबैंड है तो दूसरे पर इंटरबैंड होगी। समजात गुणसूत्रों के दोनों सदस्य समान होते हैं, इससे कोशिका विभाजन पट्टियों के युग्मन बन जाते हैं, पेयरिंग बन जाती है। पट्टियाँ आनुवंशिकता के लिए सक्रिय होती है, आप देख सकते हो। ये है एक गुणसूत्र, ये गुणसूत्र हैं कैसे पॉलिटीन, इसमें बैंड इंटरबैंड आपको दिखाई दे रही है, बीच में देखिए आप क्रोमोसेंटर आपको दिखाई दे रहा है, फिर ये क्रोमोसोम की थर्ड आर्म दिखाई है यहाँ पर, ये लेफ्ट आर्म है क्रोमोसोम की, थर्ड क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म है ये, ठीक है, और एक ये छोटा सा ये चौथा क्रोमोसोम का पार्ट जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम 4 यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं ये सेकंड क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म है, फिर ये एक्स क्रोमोसोम भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, फिर राइट आर्म ऑफ सेकंड क्रोमोसोम यानी कि ड्रोसोफिला की क्रोमोसोम की ये स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे क्रोमोनिमेटा बन चुके हैं, ठीक है। देखिए पॉलिटिन गुणसूत्र के निर्माण संबंधी अनेक सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। पॉलिटिन सिद्धांत के अनुसार दूसरी सोमेटिक सेल की तरह इसमें भी बहुत लंबे पतले क्रोमोनिमेटा होते हैं, वही मैं बात सब इसमें बताई गई है, बहुत पतले और लंबे क्रोमोनिमेटा जिसमें होते हैं, जो तेज़ी से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, सीक्रेशन का काम करके सेल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए mRNA को स्टोर करके एनर्जी कंजर्व का काम भी करते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिन गुणसूत्र, जिसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है। बल्ब यानी पफ क्या होती है, बल्ब यानी रिंग क्या होती है, ये सब पढ़ना है। तो आज हमारे ये जाइंट क्रोमोसोम यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद।